नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित सक्सेना है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुरुग्राम में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख प्रकार का कैंसर है और हर 8 में से एक महिला अपने लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित हो सकती है। इसलिए हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की। जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ हो या सूजन हो, या आर्मपिट में कोई गांठ या सूजन हो, या कलर में चेंजेस हो, या टेक्सचर में चेंजेस हो, या साइज और शेप में चेंजेस हो, निप्पल रिट्रैक्शन हो, या निप्पल डिस्चार्ज हो, या कोई पकरिंग हो, या डिम्पलिंग हो, या एसिमेट्री हो, या फिर ब्रेस्ट में पेन हो, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर के साथ संपर्क करें। अब हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, टोबैको का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि मेनोपॉज के बाद कई बार लेडीज़ को दी जाती है उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में हम कैंसर को लक्षण प्रकट होने से पहले ही पकड़ लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें महिलाएं स्वयं अपने ब्रेस्ट का परीक्षण करती हैं। 20 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि ट्रेन नर्स या डॉक्टर द्वारा किया जाता है। 20 से 40 वर्ष के बीच की महिलाओं को 3 वर्ष में एक बार और 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को वर्ष में एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करवाना चाहिए। तीसरा है मैमोग्राफी, जो एक प्रकार का एक्सरे है लेकिन इसमें रेडिएशन की मात्रा बहुत ही कम होती है और 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को वर्ष में एक बार मैमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। इससे हम कैंसर को लक्षण प्रकट होने से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस की। इसके लिए हम कई बार मैमोग्राफी करवाते हैं, कई बार हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो कई बार ब्रेस्ट MRI कराते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि विराट कैटेगरी मेंशन्ड होती है। अगर नहीं मेंशन्ड हुई है तो आपको अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए और विराट कैटेगरी लिखवानी चाहिए, क्योंकि अगर विराट कैटेगरी 4 और 5 या उससे अधिक है तो बायोप्सी जरूरी है। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की आवश्यकता होती है। FNAC ब्रेस्ट कैंसर को मिस कर सकती है, इसलिए अगर विराट कैटेगरी 4 या 5 है तो बायोप्सी अवश्य करवाएं। इसके अगर एक बार जब ब्रेस्ट कैंसर कन्फर्म होता है तो घबराने की बात नहीं है। इसमें हम बायोप्सी ब्लॉक के ऊपर ISC का टेस्ट करते हैं, जिसमें ERP और हटनी और Ki-67 का टेस्ट होता है और ब्रेस्ट कैंसर कितना फैला है ये जानने के लिए कई बार CT स्कैन ऑफ चेस्ट, थोरैक्स और एब्डोमेन करते हैं या फिर PET CT स्कैन होल बॉडी करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर कितना फैला हुआ है। इसका इलाज बहुत ही आसान है। ये डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर कौन सी स्टेज में डायग्नोस हुआ है और उसका व्यवहार कैसा है, इसका अर्थात ERP और हटनी की रिपोर्ट क्या है, ट्रिपल नेगेटिव है या हार्मोन पॉजिटिव है या हटनी पॉजिटिव है। इसके इलाज के लिए हम नॉर्मली मल्टीडिसिप्लिनरी मीटिंग करते हैं, जिसमें सभी डॉक्टर्स मिलकर आपस में तय करते हैं कि इस पेशेंट के लिए पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, इलाज का सीक्वेंस तय करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में 3 प्रमुख तरीके हैं, सर्जरी, रेडिएशन और सिस्टेमिक थेरेपी। सर्जरी में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी होती है और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी भी होती है। दोनों के रिजल्ट बराबर हैं, लेकिन ब्रेस्ट को ट्रीट करने के साथ साथ हमें आर्मपिट को भी ट्रीट करना होता है। इसके लिए आजकल सेंट्रल लिम्फ नोड टेक्निक यूज़ की जाती है और अगर सेंट्रल लिम्फ नोड नेगेटिव है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन को अवॉइड कर दिया जाता है, जिससे कि जो सर्जरी के बाद जो हाथों में सूजन है उसको, जिसको हम लिम्फीडीमा कहते हैं, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। रेडिएशन कई बार एडजुवेंट सेटिंग में यूज होता है, अर्थात सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद काम में आता है। कई बार ये पैलेटिव रूप में काम में लिया जाता है, अर्थात जैसे 4th स्टेज का कैंसर है, हड्डी में या दिमाग में कहीं कैंसर के कण गए हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। सिस्टमिक थेरेपी में कीमोथेरेपी दी जाती है। अगर हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो हार्मोन थेरेपी काम में आती है। अगर हटनी पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो टारगेटेड थेरेपी का रोल है और आजकल लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी का रोल भी है। तो सही समय पर सही इलाज से हम ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर सकते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के हैं 3 साधन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी फॉर अर्ली डिटेक्शन। ब्रेस्ट या आर्मपिट में हो गांठ या सूजन, कलर, टेक्सचर, साइज, शेप में हो परिवर्तन तो डॉक्टर से संपर्क करें। विराट कैटेगरी 4 या 5 हो तो बायोप्सी से ना डरें। समय पर जाँच और इलाज कराएं, कैंसर मुक्त जीवन बनाएं। धन्यवाद।